पूरा करेंगे। गदर के सीक्वल में मैं हूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ बिना ज्यादा डिटेल्स दिए, जितनी भी उम्मीदें हैं पूरी होने वाली हैं। गदर में मुझे पहचान नहीं पाएगा। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे फिल्मी टाउन पे। जिस तरीके से गदर फिल्म रिलीज हो चुकी है, क्या गदर फिल्म को लेके आपकी भावनाएं क्या है, आप किस तरीके से? हम सब ने बचपन में देखी है और उस फिल्म में गदर मचाया था उस वक्त, और वो कितना मॉन्यूमेंटल ऐतिहासिक साल था फिल्मों के लिए। दिल चाहता है, लगान और गदर तीनों फिल्में एक साल आ गई थी, और तीनों ही इतनी अलग किस्म की फिल्में थी जो किसी को भी फिल्म देखने का शौक था तो वो साल बहुत ही ऐतिहासिक साल है। ऑफकोर्स मैं बहुत छोटा था तब, पर तब की वो आज की यादें वो पूरा करेंगे। गदर के सीक्वल में मैं हूँ, तो आज टीम को सपोर्ट करने के लिए और फिल्म को सपोर्ट करने के लिए। क्या बात, उस तरीके उस वक्त का माहौल क्या था, 22 साल के बाद आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं, क्या डिफरेंस इस दोनों में फिल्म? नहीं, अब तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और 11 अगस्त को हमारी सेकंड वाली जो सीक्वल है गदर की वो रिलीज़ हो रही है। तो ये उस माहौल को बनाने के लिए आदमी यू नो एक री रिलीज़ कर रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने उसको रीमास्टर किया है 4K में, डॉल्बी साउंड में है। सो ये सब चीज़ें देखकर ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। जिस ज़माने में ये सब शूट होता था उस ज़माने में VFX नहीं होते थे, तो वो जो स्केल था शूट करने का, एक बड़ी सी ट्रेन, हज़ारों लोग, वो अब आपको एक्चुअली क्लैरिटी से दिखेगा। अब ये सब जब आप देखते हैं तो वो VFX से किया जाता है, उस ज़माने में एक्चुअल ट्रेन और एक्चुअल लोग और एक्चुअल कैमरा मूवमेंट की जाती थी। सो मज़ा आएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पॉयलर्स फ्रॉम यू, बट ये जानना चाहूँगा कि लोगों को या फिर दर्शकों को क्या देखने मिलेगा, क्या डिफरेंस फील करने मिलेगा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 में? उम्मीदें ही बहुत सारी हैं। एक फिल्म जो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो, उस फिल्म का जब आप सीक्वल बनाएंगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल की उम्मीदें हैं। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ बिना ज़्यादा डिटेल्स दिए, जितनी भी उम्मीदें हैं पूरी होने वाली हैं। अच्छा चलो ठीक है, लास्ट बट स्पॉइलर नहीं है, पर अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी मेरा एक शो आया था नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम था राणा नायडू, अगर किसी ने वो देखा तो वो गदर में मुझे पहचान नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गदर। थैंक यू।